मामा के घर से तो हम जाएंगे, मेरी बहन, मेरी मामी और मैं। फुल एंजॉयमेंट करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और एक से एक बढ़िया चीज़ खाएंगे। पर क्या करें, आज एकादशी है तो हम लोग पता नहीं क्या खाने वाले हैं। और एक पर्सन तो नहीं जा रहा है और वो घर पर बैठ के गेमिंग करेगा, हो रहा है। तो हम लोग अभी निकलने ही वाले हैं। हमारे घर के पास से ही बस जाती है तो बहुत ही कंफर्ट है यहाँ से जाना। तो हम यहीं से बस पकड़ेंगे और जाएंगे घूमने और बहुत ही मस्ती करेंगे। आप भी हमारे साथ बहुत इंजॉय करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरी बहन का भी एक चैनल है तो उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, आप वहां से भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे फनी फनी वीडियो अपलोड करती है, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं एस प्लैनेट में। जाने के समय क्या क्या करना पड़ रहा है, जाने के समय इतने सुंदर मेकअप में कचरा उठाने वाली अपना आउटफिट दिखाओ भाई लोगों को, गॉगल्स के साथ, विद गॉगल्स। तो ये हम रेडी हैं। ये हमारे पापी दीदी का बूट है। मेरा बूट्स इसने पहना पर मेरे मुझसे पहना नहीं गया क्योंकि मुझे हील्स का आदत नहीं है। तो चलो हम लोग कर रहे बस का वेट। अच्छा, अब बस आने वाली है, हम लोग बस पे बैठ के आपसे बात करेंगे। हम लोग बस में चढ़ गए। कितने टाइम बाद मिला? बहुत देर बन रहा है, 20 मिनट के बाद। यूजुअल ऐसा होता नहीं, यहाँ पे बहुत बस आते रहता है लेकिन पता नहीं क्यों क्या शायद पूजा का वजह से। आज कल दशहरा था ना तो आज शायद हम लोग गाँव का नहीं। तो हम लोग देखिए ऐसे बैठे हुए हैं लाइन लगा के। तो हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू मार्केट, एस प्लैनेट भी बोल सकते हो। बड़ी धूप है, देखिए कितनी टेम्परेचर है। तो आज है सैटरडे, सैटरडे के दिन थोड़ा सा खाली लग रहा है। तो दोस्तों एस प्लैनेट में एंट्री करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे। यहाँ पे लड़कों के जीन्स के जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, बेल्ट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे गॉगल्स भी आपको दिखाई देंगे जगह जगह पर। बाबा तो हाथ कटा, यहाँ पे टी शर्ट की पूरी भरमार है। यहाँ पर एक नया ये मॉल आया था, ये पहले था नहीं, रिसेंटली नया खुला है। तो यहाँ पे यूनिक कलेक्शन है जहाँ पे बहुत सारी यूनिक यूनिक चीज़ें, एंटिक चीज़ें मिलती हैं। तो आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ। तो हम पहले शॉपिंग करने से पहले
थोड़ी अपनी पेट पूजा कर लेते हैं जूस के साथ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जूस कॉर्नर्स मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है? मौसम्बी की तरह। ओ, तो ये मौसम्बी का जूस आ गया है, हम लोग का बाकी है आना। ठंडा ठंडा फूल फूल। ये दोस्तों हमारा मौसम्बी कैसे झूल रहा है। तो दोस्तों एस प्लैनेट में ना शूज़ के कपड़ों के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं। आप देखेंगे आगे शूज़ की तो भरमार है, जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये बूट शूज़ हैं और इधर पूरा हमारा अंडर गारमेंट्स पूरे मिल जाएंगे और लड़कियों के मेकअप के सामान भी हैं उस पूरे इस लेन में ना, पूरे यही सब आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सा एरिया है मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं खुद नहीं हूँ। तो जहाँ से हमने जूस किया था उसी वाली लाइन से हमने स्टार्ट किया चलना। तो यहाँ पे अंडर गारमेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्यूब ब्रा, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ट्यूब ब्रा, वो भी अफोर्डेबल रेंज में हैं। तो मेरी सिस्टर ने यहाँ से कुछ अपने अंडर गारमेंट्स खरीदे, तो आप भी अगर न्यू मार्केट में आते हैं तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। ब्रालेट भी मिल जाएगा, क्रॉप टॉप के अंदर पहनने के लिए, क्यूब ब्रा, इस तरीके के ब्रास, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न डिजाइन के मिल जाएंगे। ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, उल्टा नेचर सपोर्टिंग। तो दोस्तों चलिए आपको ये न्यू मार्केट का फेमस यहाँ का मॉल दिखाती हूँ। देखिए डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया किया गया है, पानी के ऊपर इस तरीके से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई गई है और ऊपर का डेकोरेशन भी किया गया है। और देखिए मॉल के नीचे यहाँ पे छोटा सा मिनी स्पा है, यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल मसाज होता है। देखिए कुछ लोग यहाँ पे मसाज ले रहे हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से देखा, तो आप लोग भी देख लीजिए। देखिए मॉल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस तरीके से डांसिंग गर्ल्स पहनती है ड्रेस, यहाँ पे मुझे दिखाई दिया। देखिए यहाँ पे जैसे आप डांसिंग के डांस में देखते हैं, यहाँ पे कोई भी रियलिटी शो में देखते ना उस तरीके का मुझे आउटफिट दिखाई दिया, पूरा इस तरीके से चमको चमको टाइप का था। अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ से ले सकते हैं। तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मॉल का जो सेकंड फ्लोर है हम वहाँ एंट्री किए और वहाँ से आपको व्यू दिखा रहे हैं कुछ। तो यहाँ भी दोस्तों कपड़ों के कलेक्शन बहुत अच्छे थे। तो हम न्यू मार्केट के अंदर फिर से एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक बूढ़े दादाजी बहुत अच्छे अच्छे वो बेच रहे थे, ब्लैक दिखाना, सॉरी बेच रहे थे, हम लोग खरीद रहे थे। तो देखिए हम लोगों ने इस तरीके से खरीदा और ये जो आप देख रहे हैं इयर रिंग ओनली 30 रुपीज़ की है। जो भी आप इयर रिंग लेंगे वो सारे 30 रुपीज़ की है। तो आपको न्यू मार्केट में इस तरीके से 30 रुपीज़ के इयर रिंग हर जगह दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने क्लब फैक्ट्री में देखा था, तब ये 200-300 रुपीज़ का था, पर यहाँ पे आप कोई भी ले 30 रुपीज़। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने भी यहाँ से खरीदा है एक एक इयर रिंग 30-30।
देखिए ये वाला मैंने खरीदा था ना, ऐसा नहीं। तो आपको आने वाली वीडियो में मैं पूरा दिखाऊंगी। और ये वाला मेरी सिस्टर ने खरीदा, ये देखिए ये वाला मैंने खरीदा, ओनली 30 रुपीज का है। और यहाँ पे रिंग भी था, बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही कम प्राइस में। और ये इयर रिंग तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, पर बहुत बड़े बड़े इयर रिंग थे तो मेरे कानों में सूट करेंगे कि नहीं, इस कश्मकश में मैंने खरीदा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके के इयर रिंग्स भी मिल जाएंगे, ये 100 रुपीज़ का था। तो दोस्तों ये मेरा न्यू मार्केट का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सेकेंड पार्ट वॉच करना है तो एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।